एक बड़ा सा सांप उसके घर में घुस जाता है और अंडे को चारों तरफ से लिपट लेता है। दरअसल ये औरत जंगल से एक अंडा लेकर आती है और उस अंडे को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। वो औरत उस बड़े से अंडे को घर के एक कोने में रख कर चुपचाप सो जाती है। तभी अचानक से एक बड़ा सा सांप उसके घर के अंदर घुस जाता है और उस अंडे को चारों तरफ से लिपट लेता है। सांप के शरीर के गर्माहट से अंडा अपने आप ही हिलने लगता है। तभी वो औरत नींद से जाग जाती है। औरत को देखते ही सांप वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अंडा टूट जाता है और उसमें से एक जलपरी बाहर आती है जो औरत के चिल्लाने पर नीचे गिर जाती है। औरत जलपरी को देख बहुत डर जाती है, लेकिन वो औरत तुरंत ही समझ जाती है कि उसे पानी की जरूरत है, इसलिए वो उसे पानी के बड़े बर्तन में डाल देती है। लेकिन अगले ही दिन वो जलपरी उस बर्तन से भी बड़ी हो जाती है, इसलिए वो औरत उसे अपने कुएं में डाल देती है। लेकिन फिर वो जलपरी अगले दिन इतनी बड़ी हो जाती है कि कुएं में नहीं आ पाती है। तब वो औरत उसे पास वाले नदी में ले जाती है। आगे देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट कर